Human. Dead. Finish. Have you been a human being yet? अरे बाबू वशाई तू व्हाट अ सरप्राइज तू कोलकाता कब आया अरे अंदर आ आने से पहले नो फोन कॉल्स नो एसएमएस वी आर स्काइप फ्रेंडली कम ऑन चल जाकर बालकनी में बैठ मैं आ रहा हूँ ठीक है असल में मैं कुछ काम से आलीपुर आया था तो सोचा काकू काकीमा से मिल के जाता हूँ कितने दिन हो गए मैं उनसे मिला नहीं लेकिन काकीमा किधर है आज तो मैं उनके हाथों का माचर झोल भात खा के ही जाऊंगा Hey man, take a chill pill. There's a surprise for you. पूरी फैमिली शादी के वेन्यू में है और कल मेरी शादी है तेरी शादी कल मेरी शादी है मेरी शामत आनी है घोड़ी लेकर आऊंगा मैं डोली लेकर जाऊंगा बॉलीवुड को मारो गोली मीडिया को गोली मारो किसी की बातों में आना नहीं है और कल मेरी शादी है मेरी शामत आनी है घोड़ी लेकर आऊंगा मैं डोली लेकर जाऊंगा ओ हो हो तेरी शादी सरप्राइज देने मैं आया था और खुद ही महा सरप्राइज हो गया हूँ तू शादी कर रहा है वो भी कोलकाता में अरे छड़ यार मजाक मत कर अच्छा अमेरिका से कोई मेम पकड़ के लाया है क्या नहीं कोई मेम नहीं है रणवीर एंड गेट रेडी फॉर मोर सरप्राइजेस लेकिन पहले पानी पी ले ओए हटा यार तू पहले बता क्या सरप्राइज है पहले ग्लास तो पकड़ फिर बताता हूँ मैं लव मैरिज नहीं कर रहा हूँ ये अरेंज मैरिज है जिसे मेरे माँ बाप ने पसंद किया है और मैं कल शादी के वक्त ही पहली बार उस लड़की को देखा और इसीलिए तूने अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को फोन या स्काइप से किसी भी तरीके से शादी के बारे में नहीं बताया You are still my best friend. Shut up, तू मुझे अपना फ्रेंड तक नहीं मानता है यार रणवीर आई वॉज गेटिंग कॉन्शियस आशीष यार तू स्कूल में हम सबका आदर्श था तू हर किसी को एजुकेशन डिबेट सब चीजों में हरा देता था और क्योंकि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था इसलिए सब मुझसे जलते थे आई नो मैन सब कुछ याद है मुझे नहीं तुझे सब कुछ याद नहीं है आशीष क्योंकि जब न्यू दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप हुआ था डिबेट का उसमें तूने गोल्ड मेडल जीता था और उसका टॉपिक तुझे याद नहीं है आई एम श्योर याद है मुझे सब कुछ लेकिन उसके बाद मैंने पूरी दुनिया तुझे कुछ भी याद नहीं है तू कल अरेंज मैरिज कर रहा है और अभी तक तूने उसको देखा तक नहीं लिव इट मैन तू बता तुझे बताना ही है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज और मैंने लव मैरिज का साथ दिया था एंड आई गॉट द गोल्ड मेडल लेकिन तब मैं एक सोशली मिसगाइडेड टीनेजर हाँ? तब मैं अधिकतर इंडियंस के जैसे मेनस्ट्रीम बॉलीवुड और पॉपुलर मीडिया का कंज्यूमर था डैम इट तुझे ये पता नहीं है कि उस समय तू मेरा और मेरे जैसे कितने यूथ का आइडल था यार तू
हम सबका स्टार था। रणवीर, आई वॉज अ फूल दैट टाइम। आई वॉज अ मोरन, इंडी मोरन। यार आशीष, तू क्या बकवास कर रहा है? स्कूल के बाद तू अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, और हम सब आज भी तेरे बताए हुए, तेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तू बहुत बुरी तरह से बदल गया है यार। लेकिन यू नो रणवीर, इंडिया से निकलने के बाद ही मैंने इंडिया को एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देखा, जाना और समझा। एंड दिस न्यू फाउंड नॉलेज वॉज डिवेस्टेटिंग फॉर मी। यू नो, तुम लोग इंडिया में वेस्ट इज द बेस्ट कहते हो, और इंडिया में जो फॉलो करते हो वेस्ट का, वो चीज उनकी खराबियां है। एंड दे टू आर नॉट हैप्पी अबाउट दोज थिंग्स। यू नो, वहां के लोग इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एंड यू इंडीमोरॉन्स फॉलो द वर्स्ट ऑफ ऑक्सीमोरॉन। And you know who is the greatest misguiding force behind you guys? Mainstream media and Bollywood. यार तू बुरी तरह से बदल गया है यार। तू क्या बोलना चाहता है? तू तो मेरे foundation को हिला दे रहा है यार। Really? Good. It's time कि तुम लोग थोड़ा हिलो। तो ज़िंदगी पर हिलाते रह जाओगे। और वो अपना मजा लूटते चले जाएंगे at your cost, you Indian. यार तू टॉपिक चेंज मत कर। नहीं यार, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ। पॉपुलर बॉलीवुड और पॉपुलर मीडिया ऑलवेज लव मैरिज को हाईलाइट करती है और अरेंज मैरिज को डार्क लाइट में दिखाती है। लुक एट दोज यूट्यूब बकचोद चैनल्स एंड द पॉपुलर मीडिया, दे स्टिल आर प्रमोटिंग दैट। बुलशिट मैन, ये अरेंज मैरिज सिस्टम एक कर्स है। मैं पूरी दुनिया के अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिला, और पता है रणवीर, मैंने देखा बड़ी बड़ी बातें, दिल को छू जाने वाले लेक्चर्स, डिबेट्स किसी के काम नहीं आती, और जो काम आता है वो है उनके किए हुए बड़े बड़े काम। योर एक्शंस मेक्स यू अ मैन, नॉट योर आइडियाज और योर थॉट्स और लेक्चर्स और बिग डिबेट्स। अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, वेयर इज लव इन टुडेज वर्ल्ड? प्यार मोहब्बत तो लोगों को होता रहता है, आज इससे कल उससे, कल किसी और से। अरेंज मैरिज को नीचा दिखाने वाले और लव मैरिज को हाईलाइट करने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिवोर्स्ड, या फिर किसी दूसरे के प्यार में गुमशुदा है। शादी के फाउंडेशन को प्यार नहीं बचाता है। प्यार तो एक फीलिंग है जो कभी इधर कभी उधर बदल भी सकता है, मगर शादी, शादी तो एक जिम्मेदारी है, एक धर्म है, एक ड्यूटी है, जिसे हर कोशिश करके हर तरह से निभाना पड़ता है। तो इसीलिए तो बोधी को देखे बिना ही शादी कर रहा है। एक्चुअली मेरे माँ बाबा मेरे विश्वास के लायक है, और मुझे मालूम है कि मेरा भला उनसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। इसलिए मैंने माँ को बोला कि आप मेरे लिए वाइफ ढूंढो, एंड योर चॉइस विल बी माइन। और मैंने तो पूरी दुनिया देखी है ना रणवीर, इसलिए तुझसे कह रहा हूँ कि नो पेरेंट्स कुड बी बेटर देन इंडियन पेरेंट्स हु प्रैक्टिसेस इंडियन वैल्यूज। जब भी तुम बुलाते हो मैं खुद को रोक नहीं पाता। चूहों की टोली के जैसे तुम्हारे बंसी के पीछे दौड़ा चला जाता हूँ, जाता हूँ। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मुझे जाना है बहुत दूर, जहां से कोई कभी लौटना चाहे नहीं। मेरी शादी है, मेरी शामत आनी है, घोड़ी लेकर आऊंगा मैं, डोली लेकर जाऊंगा। ओ हो हो, बॉलीवुड को मारो गोली, मीडिया को गोली मारो, किसी की बातों में आना नहीं है। और कल मेरी शादी है, मेरी शामत आनी है, घोड़ी लेकर आऊंगा मैं, डोली लेकर जाऊंगा। ओ हो हो, जग देखा मैंने सारा, लोगों की बातों पे नाचा, अब ये दिल मांगे मोर, मांगे मोर। कल मेरी शादी है, मेरी शामत आनी है, घोड़ी लेकर आऊंगा मैं, डोली लेकर जाऊंगा। हवाओं में उड़ना छोड़ा, अपनी जड़ों पे लौटा, माता पिता की, माता पिता की। ओ कल मेरी शादी है, मेरी शामत आनी है, घोड़ी लेकर आऊंगा मैं, डोली लेकर जाऊंगा। ओ हो हो, लव मैरिज होगी नहीं, शादी मन की मर्जी नहीं, रिश्ता ये सबसे कूल,
कृष्णता ये सबसे कूल। जब भी तुम बुलाते हो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, पाता हूँ। अरे अरे चूहों की टोली के जैसे तुम्हारे बंसी के पीछे दौड़ा चला जाता हूँ, जाता हूँ। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मुझे जाना है बहुत दूर, जहां से कोई कभी लौट ना चाहे नहीं।